इंडियाज बेस्ट डांसर की जज नोरा फतेही को गलत तरीके से छूने पर बुरी तरह ट्रोल हुए टेरेंस लुइस। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिया अपना एंग्री रिएक्शन। आखिर क्या कहा यूजर्स ने टेरेंस को, क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। बॉलीवुड डीवा और एक्ट्रेस नोरा फतेही इन दिनों सोनी टीवी के शो इंडियाज बेस्ट डांसर में जज की भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। हाल ही में शो का एक वीडियो सामने आया है जिसमें शो के एक अन्य जज और कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस उनके बैक पोर्शन पर हाथ मारते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर टेरेंस को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो 12 सितंबर को चैनल पर प्रसारित हुए शो का बताया जा रहा है, जिसमें वेटरन एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ मेहमान बनकर पहुंचे थे। इसी दौरान जब शो के तीनों जज उन्हें धन्यवाद कहने के लिए झुक रहे थे तो टेरेंस ने नोरा को पीछे हाथ मार दिया। हालांकि तब नोरा बिल्कुल नॉर्मल रही और उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। हम आपको बता दें कि वीडियो में टेरेंस को नोरा के साथ गलत करते देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा उन पर भड़क उठा और वो उन्हें ट्रोल करने लगे। कई यूजर्स ने कहा कि यही बॉलीवुड का असली चेहरा है। कुछ ने कहा कि टेरेंस से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी, जबकि कुछ ने इस बात पर सवाल उठाए कि नोरा ने कोई रिएक्शन नहीं दी। वहीं दूसरी ओर कुछ ने कहा कि टेरेंस ने उन्हें झुकने का इशारा करने के लिए शायद ऐसा किया होगा। तो आइए हम नजर डालते हैं सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट्स पर। आपको याद दिला दें कि मलाइका के कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से नोरा ने उन्हें शो में रिप्लेस किया है। सो व्यूअर्स, क्या कहना है आपका इस खबर पर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला।